22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया, जबकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान सैंक्शन हुए थे, मिला किसी को नहीं था, कागजों में फाइल में सैंक्शन जरूर हुए थे। श्रमिकों के लिए अटल आवास, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए। आप सभी मित्रों का स्वागत है, पत्रकार मित्रों का। राज्य के 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आज आप सबके बीच में हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, दलित, शोषित, वंचित और माताओं का, बेटियों का सुरक्षा का ध्यान, उनके शिक्षा का ध्यान, उनके शादियों से लेकर जो राज्य की लोकप्रियता है, राज्य में लोकप्रियता है और सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफा जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबसे, सभी पत्रकार मित्रों से सीधे संवाद करें। मित्रों, आज की इस विशेष इसी में मैं अपने सहयोगियों, अपने प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव जी अभी कुछ ही देर में इस विषय को ज्वाइन करेंगे और दिनेश जी यहां पर मौजूद हैं, इन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पीसी के इस उसमें काफी दिनों के बाद हम लोग संवाद कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों के एक मैराथन दौड़ के बाद देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से समारोह करने के उपरांत हम लोग आए हैं और इसीलिए इन सब पर आपसे चर्चा की जाए, इसीलिए यह विशेष हम लोगों ने पीसी यहां पर बुलाई है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने की जो बात की थी, विगत 5 वर्षों के दौरान उस पर हुए प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव 6 चरणों का व्यतीत हो चुका है। 7वें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है और परसों 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 की विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून की राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है।
परसों सातवें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 वर्ष की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों में से यह भी एक आता है। मित्रों, पूरे प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। यह सच है कि 2014 से पहले प्रदेश की राजनीति को भी और देश की राजनीति को भी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजित कर दिया था और इस उधेड़बुन में मूल बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता था। पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े गए और भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए उस समय इलेक्शन के एजेंडे को जो धार उन्होंने दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का, लोगों को लगता था कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी और सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का, देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सहार सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, उन सबको इस संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला है। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे, अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था,
ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई बहु फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2003 से लेकर 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी, उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। मित्रों, अन्नदाता किसान वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़ खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़ खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गो आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9,00,000 गोवंश वर्तमान में गो आश्रय स्थल में है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी इस संबंध में चल रही हैं। 1 सरकार के संरक्षण में बेसहारा गोवंश के संरक्षण की योजना, 2 सहायक भागता योजना के अंतर्गत जो किसान बेसहारा गोवंश को अपने यहां ले जाकर के पालेगा, उसका पालन करेगा, पर गोवंश उसे 900 रुपए की राशि सरकार देती है और 4 गोवंश एक किसान एक पशुपालक को देने की हम छूट देते को उसको अनुमन्य करते हैं। और 3 योजना कुपोषित परिवारों के लिए है जिसमें बेसहारा गोवंश को जो गो आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है और उसमें 900 रुपए हर गोवंश का उस परिवार को दिया जाता है, ब्याई हुई गाय देते हैं उस परिवार को। 9,00,000 गोवंश की सेवा और उनके संरक्षण का कार्य इस रूप में हो रहा है लेकिन आने वाले समय में
यह कार्यक्रम और भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह एक योजना है और इसको लेकर के ऊर्जा के साथ उसे जोड़ना, ऊर्जा के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए यूनियन बजट में पहली बार प्रावधान हुआ है, तो प्राकृतिक खेती को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी और इसलिए अन्नदाता किसानों के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार किस रूप में कार्य कर रही है ये आप सबके सामने है। और अन्नदाता किसानों का पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला वह भी इस रूप में देखने को मिला। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन से लेकर के मिशन शक्ति के थर्ड फेज के कार्यक्रम तक हमने फर्स्ट फेज से ही देखना शुरू किया कि प्रदेश की माताएं बहनें बेटियां वह हो सकता है कि परिवार में पुरुष कोई मत रखता हो लेकिन उससे इतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया। वे जाति मत मजहब परिवार से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका रुझान देखने को मिला और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया। बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा इसके पीछे केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं हैं जिसमें चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्वच्छ भारत मिशन एक केवल शौचालय बनाने का कार्यक्रम नहीं था ये नारी गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक भी बना। प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो जननी सुरक्षा का हो मातृवंदना का कार्यक्रम हो या प्रदेश शासन के द्वारा कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना ये सभी योजनाएं ऐसी थी जिन योजनाओं को हाथों हाथ माताओं बहनों ने लिया और उन योजनाओं के साथ जुड़ करके उन्हें लगा कि वास्तव में पहली बार ऐसी सरकार आ रही है चाहे वह प्रत्येक घर में बिना भेदभाव के शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है या धुएं से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उन सभी परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है। आप सोचिए कार्बन जनित बीमारियों से कितनी माताओं को बचाने का काम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आज उसी के लिए अपना आशीर्वाद प्रदेश की माताएं भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार को देने के लिए पूरी मजबूती के साथ जुटी रही। या फिर स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 से 25 लाख परिवारों को गांव गांव में जिस गांव में जिस जहां पे उनकी जमीन थी उस जमीन का मालिकाना अधिकार देने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्यक्रम 1 करोड़ माताएं और बहनें इसके साथ जुड़ी हुई है। कितने बड़े कार्यक्रम के साथ ये अभियान चला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे हर बेटी हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं किसी से मैं आ जा सकते हैं हमें कोई भय नहीं। एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। यह पूरी पूरा उद्घोष माताओं बहनों की तरफ से भी प्रदेश के अंदर देखने सुनने को मिला गया। इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे गरीबों को मिला और कैसे परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर उसने अग्रसर किया। 43,50,000 से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया जबकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान सैंक्शन हुए थे मिला किसी को नहीं था कागजों में फाइल में सैंक्शन जरूर हुए थे। 5 साल में 18,000 समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में
43,50,000 से अधिक गरीबों को मिला है। यानी 43,50,000 वह गरीब आर्थिक शासन की योजनाओं से जुड़ के केवल आवास नहीं बना, आवास बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन सौभाग्य योजना में फ्री में मिलता है। 1,43,00,000 ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए गए जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। उन परिवारों में इसके लिए 1,21,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण का काम करना पड़ा था। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ। 1,25,00,000 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे। यानी ये जो कार्य प्रारंभ हुए, इनको बनाया गया, इनको एक एक तक डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया, आज उसका परिणाम भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर राशन कार्ड, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिला। गरीब कल्याणकारी योजनाओं हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, मित्रों ये वही प्रदेश है जिसमें 70 वर्षों में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज इसी प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर भी भारत सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, याद करिए 2017 तक ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में लोग 2-3 पहचान के रूप में कहते थे। एक, जहां दंगा हो, अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गुंडागिर्दी हो। दूसरा, किसी भी जगह से आप आए, किसी देश से, किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो जहां से सड़कें टूटी हुई हो, जहां से सायंकाल होते अंधेरा हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सीमा मान ली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अराजकता मुक्त है, गुंडागिर्दी से मुक्त है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, लगभग 1,00,000 गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सभी 1,00,000 गांवों तक विद्युत अनवरत, यानी सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो कार्य चल रहे हैं, जिला मुख्यालयों को, तहसील मुख्यालयों को, ब्लॉक मुख्यालयों को 4 लेन 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर ग्राम पंचायत को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ 1947 से 2017 तक। 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिए और आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है, चंदौली में मेडिकल कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है, जौनपुर में इस सत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, भदोही मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वाराणसी में एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान का निर्माण हो रहा है
अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वहां शुभारंभ हो चुका है। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले से कार्य कर रहा है। मऊ में मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी इन जनपदों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में विकसित किया गया। जब हम लोग 2017 में आए थे प्रदेश के अंदर, उस समय 46 ऐसे जिले थे जहां पर कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। 75 जनपदों में एक भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, 75 के 75 जनपदों में 3 से लेकर 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में खड़ी मौजूद मिलेगी। 46 जनपद थे जहां आईसीयू की कोई भी सुविधा नहीं थी। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा मिलेगी। और कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस कोरोना प्रबंधन को सबने देखा है। सीएफआर सबसे कम, रिकवरी सबसे बेहतर, पॉजिटिविटी रेट को एकदम नियंत्रित किया गया। आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल बना। थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। हम लोग प्रदेश के अंदर 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं, 10.5 करोड़ कोविड टेस्ट करा चुके हैं। यानी ये सभी देश के अंदर सबसे ज्यादा है, किसी भी राज्य से ज्यादा है। और कोविड कालखंड के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को कोरोना कालखंड के अंदर हर महीने 2 बार डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसी भी महामारी का अब तक का इतिहास रहा है, आप 1000 वर्षों के एक महामारी के इतिहास को उठा करके देखेंगे, बीमारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें होती थी भूखमरी से। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं होती। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां 2016 में और जनवरी 17 में भूख से मौत के कई प्रकरण सामने आए थे। आज सबको राशन और प्रत्येक को राशन कार्ड हर एक उस परिवार को उपलब्ध कराया गया है। पर्याप्त मात्रा में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। मित्रों, कोरोना कालखंड में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए, निवासी कामगार और श्रमिकों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल को सबने स्वीकारा है। और उस समय स्किल मैपिंग हो, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ना हो, प्रदेश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में जो कार्यक्रम हुए हैं, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य हुए, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, ये सभी पे जो अभी अद्भुत कार्य हुए हैं, हर एक कोर इसकी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा हो सके ये कल्पना थी, आज हो रही है। 8-8 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में सर्वाधिक राजकीय विश्वविद्यालय है। महाराज सुहेलदेव के नाम पे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। सहारनपुर में मां स्वाकंबरी के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। यानी युद्ध स्तर पर हरेक उस कार्य को प्रदेश सरकार लखनऊ में पहली बार अपराध
दुनिया के अंदर किस रूप में गठित हो रहे हैं, वह पुलिस के मॉडिफिकेशन यानी पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को से लेकर के पुलिस में भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर और लखनऊ में और हर जोनल मुख्यालय पे एफएसएल लैब की स्थापना हो या लखनऊ में फॉरेंसिक पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई हो, यह सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के दौरान हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार, नौकरी और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को प्राप्त को अवसर मिला। हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर गांव में रोजगार सहायक की तैनाती, ये प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसका परिणाम प्रदेश में व्यापक निवेश के रूप में हुआ। लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों के अंदर हुआ। खासतौर पर 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे बीते, लेकिन उस सब के बावजूद बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाती रही और आज उसका परिणाम हमें देखने को मिला। व्यापक रोजगार का सृजन हुआ, परंपरागत हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्ययोजना को आगे बढ़ा करके, श्रमिकों के लिए अटल आवास, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की उन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। पटरी व्यवसायियों के बारे में पहली बार किसी सरकार ने सोचा, लगभग 8 करोड़ पटरी व्यवसायी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़े और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 का लोन देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य इनके माध्यम से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का परिणाम इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता था कि सुरक्षा की बेहतर माहौल हुआ है, हमें अब हमें भी बिजली मिल पा रही है, भेदभाव नहीं होता है, हमें भी राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि बिना चेहरा देखे हुए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर एक गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक दे रही है और हर एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही आवाज थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मंत्र सार्थक हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आस्था को व्यापक सम्मान दिया गया। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या अयोध्या में राम जन्मभूमि और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, काशी में देव दीपावली हो या फिर काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हो या फिर प्रयागराज की कायाकल्प, मथुरा वृंदावन बरसाना को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उनके चतुर्दिक विकास का हो या फिर संत रविदास जी के सीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के सुंदरीकरण का कार्य या फिर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले के सुंदरीकरण और उसको भव्य स्मारक के रूप में देकर के भगवान राम और निषाद राज के मिलन का एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित करने की कार्रवाई, ये सभी कार्य भारतीय जनता या फिर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर दिशा में कार्य किया है।
और आज उसका परिणाम भी हम सबको इस पूरे चुनाव इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिला। जातिवाद की दीवारें टूटी हैं, परंपरागत वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति वाले पूरी तरह विफल हुए हैं। प्रदेश में राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होकर के अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। 7वें चरण में भी यही ट्रेंड बनेगा, कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि यह जो ट्रेंड पहले चरण से प्रारंभ हुआ यह लगातार आगे चल रहा है। और मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब ये 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे, 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप एक बार फिर देखेंगे 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ विजयी बना करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी, और 20% में विपक्ष आपस में बंटवारा करेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं था, वे लोग महापुरुषों का अपमान करते थे। जब हम राष्ट्रनायक लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान दिवस मना रहे थे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो विपक्ष जिन्ना का गुणगान कर रहा था। जब हम लोग अपने युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, तब विपक्ष पाकिस्तान का गुणगान गा रहा था। और इसलिए मित्रों, जनता जान चुकी है कि विपक्ष की संवेदना विकास के लिए नहीं, अन्नदाता किसान के प्रति नहीं, अपने ऊर्जावान नौजवानों के प्रति नहीं, माता और बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए नहीं, उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, और उन्होंने समय समय पर यह भी करके दिखाया है। लेकिन अब जनता उनको कभी मौका नहीं देगी, उत्तर प्रदेश की जनता कभी मौका नहीं देने वाली है। यह संकल्प आगे बढ़ रहा है, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 2 महीनों के इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उत्साह और ये समर्थन या आशीर्वाद हम लोगों को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जनपद में और प्रदेश के चारों ओर देखने को मिला है। चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य का रहा हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, हर एक जगह यह व्यापक समर्थन और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बिंदु क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल योजना वहां पर साकार हुई है। जो लोग सूखे की मार झेलते थे, आज उनके खेतों को पानी मिल रहा है, उनको घर में विशुद्ध पानी मिल रहा है, पेयजल के लिए उन्हें जल उपलब्ध है। ये सभी कार्रवाई हो रही है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज उसका एक उदाहरण है। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी।